नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर, स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। बिटकॉइन की कीमत पिछले हफ्ते की तुलना में 2.9% सुधार के साथ क्लोज हुई और अब $17,000 से ऊपर ट्रेड कर रही है। वहीं ईथर ने मॉडरेट 3.5% इम्प्रूवमेंट देखा, ऐसे में वह अब $1,300 से नीचे ट्रेड कर रहा है। बेयरिश सैटरडे सेशन के बाद BTC और ब्रॉडर क्रिप्टो मार्केट रिकवरी का समर्थन करते हुए डिप बायर्स को वापसी करते हुए देखा गया, जबकि क्रिप्टो मार्केट नियामक बाधाओं का सामना कर रहा है और FTX के गिरावट का जोखिम है। हालांकि FTX कंटेजन का जोखिम कम हो गया है। आज US इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, द NASDAQ कॉम्पोजिट इंडेक्स और FTX से संबंधित समाचार प्रभावित करेंगे। USISM नॉन मैन्युफैक्चरिंग PMI पिछले हफ्ते के ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI के बाद अमेरिकी आर्थिक दृष्टिकोण पर अधिक चिंताएं पैदा कर सकता है, जिसने US मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कॉन्ट्रैक्शन की ओर इशारा किया है। S&P 500 फ्यूचर्स और डाउ फ्यूचर्स 0.14% और 0.06% नीचे थे, जबकि NASDAQ फ्यूचर्स को 0.17% नीचे देखा गया। इन सब के बीच बिटकॉइन पिछले 24 घंटों में 1.66% की बढ़त के साथ $17,250 के आसपास ट्रेड कर रहा था, जबकि ईथर उसी समय के दौरान 2.68% ऊपर जाते हुए $1,290 के आसपास ट्रेड कर रहा था। ज़्यादातर ऑल्टकॉइन्स ने वीकेंड के दौरान BTC के परफॉर्मेंस को मिमिक किया है, जिसमें पर्याप्त हलचल की कमी है। वहीं 3 वर्स का IC15 इंडेक्स 1.8% बढ़कर 26,040 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। स्थिति से परिचित एक व्यक्ति के अनुसार, जिन कस्टमर्स का पैसा ट्रेडिंग और लेंडिंग प्लेटफॉर्म जेनेसिस पर लॉकअप है और जिन्होंने इस मामले पर लीगल एडवाइस ली है, उनके पास करंटली लगभग $1.8 बिलियन का लोन है और ऐसा लगता है कि ये नंबर बढ़ता रहेगा। Assorted Genesis Creditors का एक ग्रुप, जिसका लोन अमाउंट भी $900 मिलियन है, जिसको लॉ फर्म प्रोस्कोर रोज द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। प्रोस्कोर ग्रुप $1.8 बिलियन का टैली देता है और थर्ड एड हो ग्रुप के रूप में आने के लिए बैंकक्रप्ट क्रिप्टो फर्म सेल्सियस और वॉयजर डिजिटल को रिप्रेजेंट करने वाली लॉ फर्म कर्कलैंड एंड एलिस द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इस थर्ड ग्रुप पर कितनी अमाउंट का लोन बकाया है ये पता नहीं है। इसके अलावा जेमिनाई कस्टमर्स ग्रुप को लॉ फर्म लेथम एंड वॉटकिंस द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। US बेस्ड क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज के कस्टमर्स जेमिनाई पर $900 मिलियन का जेनेसिस का बकाया है। रिपोर्ट के अनुसार जेमिनाई ने ये निर्धारित करने के लिए एक क्रेडिटर कमेटी का गठन किया है कि क्या वह जेनेसिस से फंड्स को रिकवर करेगी। जेमिनाई के अर्न प्रोग्राम में जेनेसिस एक अहम पार्टनर है। इस प्रोग्राम ने रिटेल इन्वेस्टर्स को 8% इंटरेस्ट पर अपनी क्रिप्टो एसेट्स उधार देने की अनुमति दी है। वर्कप्लेस कल्चर पर ग्लोबल अथॉरिटी ग्रेट प्लेस टू वर्क ने रिपल को बेस्ट वर्कप्लेसेस फॉर पेरेंट्स 2022 में से एक का नाम दिया है। लिस्ट में रिपल को 2022 में पेरेंट्स के लिए काम करने के लिए चौथा सबसे अच्छा स्थान दिया गया है। ग्रेट प्लेस टू वर्क की बेस्ट वर्कप्लेसेस फॉर पेरेंट्स की डिस्टिंग्विश्ड एनुअल लिस्ट पेरेंट्स और केयरगिवर्स की डेवलपमेंट को बढ़ावा देने वाले एक अच्छे और एनकरेजिंग वर्कप्लेस प्रदान करने के उनके आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स के लिए ऑर्गेनाइजेशंस को मान्यता देती है। ग्रेट प्लेस टू वर्क ने ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफाइड कंपनीज के लिए काम करने वाले 568,000 से ज़्यादा कर्मचारियों के सर्वे रिस्पॉन्सेज का विश्लेषण करके बेस्ट वर्कप्लेसेस फॉर पेरेंट्स को डिटरमिन किया है। ग्रेट प्लेस टू वर्क पोल के अनुसार एवरेज US बेस्ड कंपनी के 57% कर्मचारियों की तुलना में रिपल के 95% कर्मचारियों का मानना है कि ये काम करने के लिए एक बेहतरीन जगह है। FTX के पूर्व CEO सैम बैंकमैन-फ्रीड अपने क्रिप्टो एक्सचेंज के कोलैप्स के बारे में लॉ मेकर्स से बात करने के लिए ऑब्लिगेट महसूस करते हैं, लेकिन हो सकता है कि वे अपनी टाइमलाइन पर ऐसा ना करें। डिस्ग्रेस्ड क्रिप्टो बॉस ने कहा कि उन्हें इस बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत है कि FTX किस कारण से फंस गया और बैंकरप्सी प्रोटेक्शन के लिए फाइल करने से पहले वह इस विषय पर कांग्रेशनल हियरिंग में उपस्थित हो सकता है। हाउस फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी ने 13 दिसंबर की सुनवाई में गवाही देने के लिए बैंकमैन-फ्रीड को इन्वाइट किया है। बैंकमैन-फ्रीड ने रविवार को ट्विटर पर कहा,
रिप वाटर्स और फाइनेंशियल सर्विसेज पर हाउस कमेटी, जब मैंने सीखना और जो हुआ उसको रिव्यू करना बंद कर दिया तो मुझे ऐसा लगा कि कमेटी के सामने उपस्थित होना और समझाना मेरा कर्तव्य था। मुझे यकीन नहीं है कि 13 तारीख तक ऐसा होगा, लेकिन जब ये होगा मैं गवाही दूंगा। लॉ मेकर्स ने हाल के दिनों में FTX क्रैश के लिए बैंकमैन फ्रीड की कैंडिड एक्सप्लेनेशन की सराहना की है। कमेटी के चेयर मैक्सिन वाटर्स ने कहा कि वे सुनवाई में उनकी पार्टिसिपेशन का वेलकम करेंगी। क्रिप्टो एक्सचेंज बायबिट ने 2022 में दूसरी बार बड़े पैमाने पर छंटने की घोषणा की है। बायबिट के को-फाउंडर और CEO बेन ज़ाओ ने लंबे समय तक बेयर मार्केट के बीच एक रीऑर्गेनाइजेशन प्लान की घोषणा की, जिसमें वर्कफोर्स में महत्वपूर्ण छंटनी शामिल है। इस तरह से प्लान डाउनसाइजिंग सभी कर्मचारियों को प्रभावित करेगा। इम्पेंडिंग डाउनसाइजिंग की घोषणा करते हुए ज़ाओ ने ऑफ बोर्डिंग प्रोसेस को जितना हो सके उतना आसान बनाने की इच्छा व्यक्त की है। फैंटेसी फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 की घोषणा फुटबॉल कॉइन द्वारा की गई है, जो एक ब्लॉकचेन पावर्ड फैंटेसी फुटबॉल गेम है। वर्ल्ड कप थीम्ड कॉन्टेस्ट खिलाड़ियों को क्रिप्टो प्राइज अर्न करने के साथ साथ खेल में उपलब्ध सभी प्लेयर NFTs को इकट्ठा करने की अनुमति देती है। इसके अलावा फुटबॉल कॉइन टूर्नामेंट के हर एक मैच के लिए वर्ल्ड कप फैंटेसी फुटबॉल कॉम्पिटिशन को होस्ट करेगा। इस स्पेशल इवेंट के दौरान प्लेयर्स को नई चुनौतियों में भाग लेकर अट्रैक्टिव बोनस प्राइस अर्जित कर सकते हैं। वर्ल्ड कप के दौरान अर्न किए गए टोटल पॉइंट्स के आधार पर दो नई चुनौतियों में से पहली सबसे सफल फुटबॉल कॉइन टीम मैनेजर्स को रिवॉर्ड करेगी। हाईएस्ट टोटल स्कोर वाले मैनेजर्स को दूसरी चुनौती में रिवॉर्ड किया जाएगा। फुटबॉल कॉइन 11 इंटरनेशनल लीग से कॉम्पिटिशन को होस्ट करता है और वर्तमान में मार्केट 400 से ज्यादा कलेक्टेबल प्लेयर कार्ड्स हैं। यूजर्स खेल के 49 लेजेंडरी स्टेडियम्स में से एक या ज्यादा के ओनरशिप के लिए भी कम्पीट कर सकते हैं। ओपेरा ने ऑल्टियन लॉन्चपैड के साथ कोलैबोरेशन की अनाउंसमेंट की है, ताकि नए लोगों के लिए Web3 या NFT अरीना में NFTs को मिंट करना आसान हो सके। यूजर्स मीडिया फाइल्स को ब्राउजर में डंप करने में सक्षम होंगे, जो फाइल्स को NFTs में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखकर कन्वर्ट कर देंगे और उन्हें ब्लॉकचेन पर अपलोड करेंगे। ओपेरा के एग्जीक्यूटिव सूजी बैट के अनुसार यूजर्स Web3 को एक्सप्लोर करने और इकोसिस्टम में योगदान करने में सक्षम होंगे। वे दावा करती है कि कंज्यूमर्स आसानी से और तुरंत NFTs को बनाने में सक्षम होंगे बिना प्लेटफॉर्म यूसेज फीस का भुगतान किए। बढ़ते NFT मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए और ज्यादा लोगों को लुभाएंगे। टीम का अनुमान है जिन यूजर्स को Web3 का कोई प्रायर नॉलेज नहीं है, वे Web3 मार्केट में एंटर करने के लिए टूल का इस्तेमाल करने में सक्षम होंगे। इसका मतलब ये है कि अलग अलग बैकग्राउंड्स के आर्टिस्ट द्वारा NFTs प्रोड्यूस करना आसान होगा। जानी मानी फिनटेक कंपनी स्ट्राइप ने बिजनेसेस के लिए एक कस्टमाइजेबल फिएट टू क्रिप्टो ऑन रैंप पेमेंट सॉल्यूशन पेश किया है। फिएट टू क्रिप्टो सॉल्यूशन एक प्रोग्रामेबल विजेट है जिसे सीधे NFT प्लेटफॉर्म्स, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस और एप्लीकेशंस में इंटीग्रेट किया जा सकता है। विशेष रूप से इनिशिएटिव डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को यूजर्स के लिए ज्यादा एक्सेसिबल बनाने के लिए एक बड़े प्रयास का हिस्सा है। विशेष रूप से अब जब FTX के डिमाइस के बाद सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस इंटेंस स्क्रूटनी के अंडर है। क्रिप्टो कंपनियां अपने कस्टमर्स को स्वाइप के फिएट टू क्रिप्टो सॉल्यूशन का इस्तेमाल करके क्रिप्टो के लिए डॉलर को एक्सचेंज करने में सक्षम कर सकती हैं। स्ट्राइप ने एक ब्लॉग पोस्ट में नोट किया, हमने इस कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए अपना फिएट टू क्रिप्टो ऑन रैंप बनाया है। ऑन रैंप एक कस्टमाइजेबल विजेट है जिसे डेवलपर सीधे अपने डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, NFT प्लेटफॉर्म, वॉलेट या DApp में एम्बेड कर सकते हैं। जल्द ही बोर्ड एप यॉट क्लब के ओनर्स कस्टम टाइमेक्स वॉच में अपने PFP को अपनी रिस्ट पर पहनने में सक्षम होंगे। टाइमेक्स और बोर्ड एप यॉट क्लब कम्युनिटी के बीच कोलैबोरेशन 500 टाइम पीसेस रिलीज करेगा, जो वॉच के फेस पर ओनर्स के एप या म्यूटेंट को प्रोमिनेंटली डिस्प्ले करेगा। जो लोग वॉच बाय करते हैं वे केस, स्ट्रैप और सिलेक्टेड एचिंग्स के चॉइस के साथ इसे कस्टमाइज करने में सक्षम होंगे। टाइमपीस फोर्ज पास NFTs का सेल आज से शुरू हुआ है, जिसे 2 ETH या लगभग $2,500 के लिए मिंट किया जा सकता है। मिड दिसंबर तक फोर्ज पास के ओनर टाइमेक्स की वेबसाइट पर अपनी खुद की वॉच डिजाइन करने में सक्षम होंगे।
फोर्थ पास एनएफटी से सेपरेट हर फिजिकल वॉच एनएफटी के आइडेंटिकल डिजिटल वर्जन के साथ होगी, लेकिन वे हॉलीडेज के लिए समय पर नहीं पहुंचेंगे और 2023 की दूसरी तिमाही में परचेजर्स को भेज दिए जाने की उम्मीद है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताजा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी।